हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। हम बच्चों बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके ऑलरेडी दो वीडियोस अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या बातें की हैं। जनरल इंट्रोडक्शन की केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और रेट ऑफ द रिएक्शन की बात की थी हमने। देन हमने बात करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। आज बच्चों बात करेंगे हम रेट लॉ की। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो बच्चों, हम रेट लॉ की बात कर रहे थे। इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, जिसमें से एक फैक्टर ये था कि आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। आज हम उसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। हम बच्चों बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यदि हम रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखते हैं किस टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसको हम, वो जो इक्वेशन बनती है, वो जो रिएक्शन बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेट लॉ या रेट इक्वेशन, या उसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्लियर ये बात। हम अब बात करते हैं रेट लॉ की, कि रेट लॉ होता क्या है। तो बात हमारी आती है रेट लॉ की। देखो बेटा, रेट लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। सिंपल सी एक रिएक्शन ले लेते हैं। ये कोई रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला, ए और बी क्या है, ये रिएक्टेंट है। सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी एंड स्मॉल डी, ये क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर, कोई जनरल रिएक्शन हमने ले लिया। इसके लिए हम रेट इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर एक्स। एक्स क्या है ये भी हम बताएंगे आपको। इसी तरह से रेट किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन बी रिएक्टेंट की पावर वाई। एक्स और वाई क्या है, हम आगे बात करेंगे। अभी दोनों रिएक्शन को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम तो क्या आएगा, के, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। एक्स एंड वाई क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, जो कि ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये हम इस रिएक्शन को देख के पता नहीं लगा सकते। एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी, रिएक्शन को देख के पता नहीं कर सकते। क्लियर ये बात। इसको और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, रेट रेट के रेट इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। यदि हम रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। रिएक्टेंट को हम क्या लिख देंगे, सिंपल आपका क्या लिख सकते हैं इसको, रिएक्टेंट के फॉर्म में हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, अपना आर के फॉर्म में लिख दें इसको, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के, ए टू की पावर एक्स एंड बी टू की पावर वाई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ भी कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इसको हमें वर्ड्स में बोलना है तो कैसे बोलेंगे बच्चों, इसको कैसे बात करेंगे, कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
विच रेज टू सम पावर, कौन सी पावर से है, एक्स एंड वाई, विच रेज टू सम पावर विच इज इक्वल टू द, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई, यानी कि रेट लॉ जब हम लिखते हैं तो रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की पावर है वो कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, इनको हम किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखने से ये वैल्यू पता नहीं लगा सकते, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही हम पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट लॉ को हम एक्सपेरिमेंटल ही लिख सकते हैं, रिएक्शन को देखने से हम रेट लॉ नहीं लिख सकते। क्लियर ये बात, इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इसको तो हम रब कर देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। NO प्लस O2 गिव्स आउट NO2, ठीक है, पहले तो बैलेंस कर ले इसको, हो गया बैलेंस। इसका रेट लॉ लिखें आप, कैसे लिखेंगे, K NO की पावर X एंड O2 की पावर Y, क्लियर। इसको नीचे भी रख कर देते हैं, इसी तरह से लिखेंगे रेट लेटर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, NO की पावर X एंड Y, O2 की पावर Y, ये X और Y जो है ये 2 और 1 के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा ये हमें, ये हमें पता चलेगा बच्चों एक्सपेरिमेंटल, रिएक्शन को देख के हम पता नहीं कर सकते, क्लियर। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट करें, हमने यदि NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रख रहे हैं, हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, तो हमारी रेट किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ NO की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो उस पर हमारी रेट क्या है, डिपेंड नहीं करेगी। हमने क्या किया है, NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी है, तो हमने ये देखा कि हमारी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है या रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 है क्या हो रही है, 4 times हो जाती है बच्चों। एक्सपेरिमेंटली ये हमने देखा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डबल करें तो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गई, 4 times हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रही है, NO की सेकेंड पावर उस पर आपकी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में बच्चों, यानी कि हो क्या रहा है, 2 की पावर डबल किया ना, तो 2 की पावर 2 होगी, तभी तो 4 times हुई। इसका मतलब x की x इक्वल टू क्या हुआ, 2 हो गया। बात समझ में आ रही है, दोबारा समझने की कोशिश करो, हमने क्या किया है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन तो हमने कॉन्स्टेंट रख ली है, NO की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डबल कर रहे हैं। जब NO की कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल की तो बच्चों हमने क्या देखा कि रेट ऑफ द रिएक्शन हमारी 4 times हो जाती है। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जबकि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी NO की कॉन्सेंट्रेशन की पावर किस पे, 2 पर, यानी कि NO की पावर कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, 2 है, तभी हमारी क्या होगी, 4 times हो जाएगी, तभी 4 times हुई। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ, 2, क्लियर। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, NO की कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट कर दिया, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। जब हमने ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, NO की कॉन्सेंट्रेशन को हमने कॉन्स्टेंट रखा, तो रेट किस पर डिपेंड करी है हमारी, केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करी है, NO पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम उस केस में हमने देखा कि हमारी जो रेट है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है, डबल हो रही है। ये कब पॉसिबल है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की पावर कितनी होगी, 1 होगी, तभी तो होगी डबल, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रही है, और ये हमने डबल की तो रेट भी कितनी हो जाएगी हमारी, डबल हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आ गई बात समझ में, तो ये हमने कैसे डिटरमाइन किया, हमने डिटरमाइन किया ये एक्सपेरिमेंटली, चाहे या देखने में हमें लग रहा है कि x की वैल्यू 2 है तो यहाँ भी स्टोकियोमेट्रिक 2 है, y की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 है,
ये ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसली हो गया, लेकिन ये हम एक्सपेरिमेंटली निकाला हमने, हम इस रिएक्शन को देखकर यहाँ ये नहीं लिख सकते। क्लियर? तो एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होती है, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखने से पता नहीं लगा सकते। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको तो रब कर देते हैं, एक ले लेते हैं और, CaCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट CCl4 प्लस HCl। ठीक है, इसके लिए यदि हम रेट देखते हैं तो कैसे लिखेंगे, के CaCl3 की पावर x एंड Cl2 की पावर y, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, x और y क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, जो कि 1:1 के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि x की वैल्यू 1 आती है और y की वैल्यू हाफ आती है। ये कैसे डिटरमाइंड हुआ, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड। बात समझ आ गई बच्चों सबको, रेट समझ में आ गया, रेट लॉ समझ में आ गया कि रेट लॉ जब हम लिखते हैं तो रेट लॉ हम किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यूज जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होती हैं। तो रेट लॉ को लिखने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी x एंड y की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तभी हम उसको लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिख सकते। क्लियर ये बात सबके? तब इस रेट लॉ को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब तक ये रेट लॉ समझ नहीं आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ में नहीं आ सकती। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले रेट लॉ ही लिखना पड़ेगा, तभी हम किसी रिएक्शन की ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, रेट लॉ आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें आपके कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।